हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने जीमेल में किसी भी पर्सन को ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके भी जीमेल में अगर कोई पर्सन आपको बार बार मैसेज कर रहा है या फिर मेल कर करके आपको परेशान कर रहा है, तो आप कैसे उस पर्सन या फिर व्यक्ति को ब्लॉक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया है जिसकी मदद से आप किसी भी पार्टिकुलर पर्सन या फिर किसी भी वेबसाइट को जहाँ से आपको अननेसेसरी मैसेज आ रहा है तो आप उसे कैसे ब्लॉक करके उसके मैसेज और मेल को बंद कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में जीमेल ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे जीमेल में काफ़ी सारे बेकार की मैसेज आई हुई है। तो आप जिस भी पर्सन या फिर वेबसाइट के मेल को बंद करना चाहते हैं तो आपको यहाँ उस मेल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको दो जगह 3 डॉट दिख रहे होंगे, एक ऊपर में और एक दूसरा नीचे में। तो आपको यहाँ नीचे वाले 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो हमें यहाँ सबसे नीचे में ब्लॉक का ऑप्शन मिलेगा। तो आप जिस भी पर्सन या फिर वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ब्लॉक के बगल में उस पर्सन का नाम या फिर उस वेबसाइट का नाम दिखाई देगा कुछ इस तरह से। तो उनके मेल को बंद करने के लिए आपको यहाँ ब्लॉक पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो ये पर्सन आपके जीमेल से ब्लॉक हो जाएगा, और जब तक आप इसे यहाँ से अनब्लॉक नहीं करेंगे तब तक ये आपको कुछ भी मैसेज सेंड नहीं कर पाएगा। आप चाहे तो इसे यहाँ से रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ स्पैम या फिर फ्रॉड वगैरह कर रहा है तो आप इस पर रिपोर्ट भी कर सकते हैं, फिर ये दोबारा आपको मेल नहीं कर पाएगा। इसी तरह से दोस्तों, आप चाहे तो अपने जीमेल में सभी को एक एक करके ब्लॉक कर सकते हैं। सभी को ब्लॉक करने का प्रोसेस सेम इसी तरह से रहेगा, ठीक है? आप जिसे चाहे उसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था अपने जीमेल में किसी भी पर्सन या फिर किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक करने का सबसे आसान तरीका। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।